दोस्तों, आप सबने हॉलोकॉस्ट के बारे में बहुत पढ़ा और सुना होगा। इस ट्रेजेडी में बहुत से यहूदी यानी ज्यूज मारे गए, बहुत सों को अपने घरों से भागना पड़ा और कुछ को अपनी जिंदगी बचाने के लिए कई साल छुप कर गुजारना पड़े। आज हम आपको ऐसी एक यहूदी लड़की की कहानी सुनाएंगे जो वर्ल्ड वॉर टू में अपनी फैमिली के साथ रूपोशी यानी कि हाइडिंग में चली गई थी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया हुआ तो उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो जवानी में कदम रख रही थी, जिसके दौरान इसे अनबिलीवेबल सिचुएशन का सामना था, लेकिन इसने दलेरी से हालात का मुकाबला किया। वो लड़की अपने ख्यालात यानी थाट्स और अपने ख्वाब दुनिया के साथ शेयर करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हालात की वजह से लाखों और लोगों की तरह एक बहुत अच्छा टैलेंट दुनिया से कैसे छीन लिया गया। इस लड़की का नाम एन फ्रैंक था और इसने ये कहानी अपनी डायरी में लिखी, जो बाद में एक किताब डायरी ऑफ यंग गर्ल के तौर पर प्रिंट हुई। एन फ्रैंक 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई। वो 1933 में अपनी फैमिली के साथ नीदरलैंड्स मूव हो गई, जहाँ इसके बाप को एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। वर्ल्ड वॉर टू में जब जर्मनी ने नीदरलैंड्स पर कब्जा कर लिया तो इसकी फैमिली वहां फंस गई, और 1942 में अपनी जान बचाने के लिए पूरी फैमिली एक खुफिया जगह पर छुप गई। ये किताब एन फ्रैंक की तरफ से दुनिया को अलविदाई तोहफा यानी कि पार्टिंग गिफ्ट है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एन फ्रैंक की डायरी में पहली एंट्री 12 जून 1942 में की गई है। इस दिन इसका 13th बर्थडे था। इस एंट्री में उसने लिखा है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको वो सारे राज बताऊँ जो मैं आज तक किसी को नहीं बता पाई। ये डायरी इसे गिफ्ट में मिली थी और इसमें इसने इस दिन मिलने वाले दीगर गिफ्ट्स भी नोट किए थे। एक नया ब्लाउज, फूल, एक पजल और दो किताबों के लिए वाउचर। 1942 की गर्मियों में एन, इसके माँ बाप और इसकी बड़ी बहन मार्गो एम्स्टर्डम में रह रहे थे, जहाँ इसका बाप डच ओपेक्टा कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर काम करता था। ये कंपनी मसाले यानी स्पाइसेस और दीगर खाने से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती थी। शुरू की एंट्रीज में एन ने ज्यादातर अपने स्कूल के दोस्तों और क्लासमेट्स के बारे में लिखा है, लेकिन पढ़ने वाले को ये अंदाजा हो जाता है कि एन एक बहुत ज़हीन लड़की है और इसकी परेशानियां बहुत गहरी। 28 जून 1942 को इसने एक कॉल यानी कि सेइंग लिखी कि कागज में लोगों से ज्यादा बर्दाश्त यानी पेशेंस है। इसी एंट्री में वो लिखती है कि ऊपर ऊपर से तो लगता है कि इसके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेली है। इसका कोई सच्चा दोस्त नहीं जिससे वो अपने दिल की बात कर सके। इसने ये भी लिखा कि हिटलर के यहूदियों के खिलाफ बनाए गए लॉज की वजह से इसकी फैमिली बहुत परेशान है। वो इसको एक्सप्लेन करती हुई कहती है कि 1938 की तबाही ने यहूदियों को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो हर वक्त अपने कपड़ों पर एक पीला स्टार लगा कर रखें। इनके लिए खुलेआम साइकिल चलाना, गाड़ी और ट्रैम से सफ़र करना और किसी भी किस्म का खेल पब्लिकली खेलना इलीगल था। इन्हें सिर्फ दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक शॉपिंग करने की इजाज़त थी। वो फिल्म या प्ले देखने के लिए नहीं जा सकते थे। गर्ज ये कि इतने ज़्यादा रूल्स थे कि इनको याद रखना भी मुश्किल था। इसके बाद इसने छोटे छोटे मसाइल के बारे में एंट्रीज की, जैसा कि क्लास में ज़्यादा बातें करने की वजह से इसकी टीचर के साथ लड़ाई, इसके गिरते हुए ग्रेड्स, एलन सिल्वरब्रैक नामी लड़के से इसका नया नया ताल्लुक और एक लड़के पीटर शेफ के लिए इसका प्यार। लेकिन जुलाई के पहले इतवार यानी संडे को सब कुछ बदल गया। इसकी फैमिली को एसएस की तरफ से एक कॉल अप नोटिस मिला। सब इस नोटिस का मतलब जानते थे। जिसको भी ये नोटिस भेजकर बुलाया जाता, इसे जेल या फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता। पहले तो एन को लगा कि वो नोटिस इसके बाप के लिए है, लेकिन फिर इसे पता चला कि वो नोटिस इसकी बहन मार्गो के लिए था। इसके बाद पूरी फैमिली ने जल्दी से सिर्फ अपना कीमती सामान पैक किया और बाकी सारा सामान दोस्तों के पास रखवा दिया। वो छुपने जा रहे थे। वो सीक्रेट जगह ओपेक्टा की बिल्डिंग, जहां इसका बाप काम करता था, के सबसे ऊपर वाले 2 फ्लोर्स की पिछली तरफ था। दूसरे फ्लोर्स पर एक मामूली सा दरवाजा गैर मुतवक्के तौर पर यानी अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसी जगह पर खुलता था जिसे आज सीक्रेट एनेक्स कहा जाता है। दोस्तों, इस जगह पर सिर्फ एन की फैमिली नहीं थी,
यहाँ आने के एक हफ्ते बाद वैन डैन फैमिली भी वहाँ आ गई। याद रहे कि ये सब फर्जी नाम है जो एन ने अपनी डायरी में लिखे हैं। इस फैमिली में तीन लोग थे, मिस्टर और मिसेस वैन डैन और इनका नौजवान बेटा पीटर। मिस्टर वैन डैन इसके बाप ऑटो फ्रैंक के साथ ही काम करते थे। वो पैक्टा में सिर्फ गिने चुने लोगों को एनेक्स और इसमें रहने वालों के बारे में पता था, जिसमें मिस्टर क्लाइनमैन और मिस्टर कूगलर शामिल थे जो बिजनेस चलाते थे, और इनकी दो सेक्रेटरीज हर्मन और एलिजाबेथ। एन इनको मीप और बीप बुलाती थी। ये लोग बाकायदगी से यानी रेगुलरली फ्रैंक और वैन डैन फैमिली का हाल चाल पता करते रहते थे और बाहर की दुनिया से खाना, किताबें और दूसरी सप्लाईज लाने का वाहिद जरिया थे। अब जरा छुपने की इस जगह की डिटेल जानते हैं। जब एक बार ये जगह छुपने के लिए इस्तेमाल होने लगी तो इसके दरवाजे के सामने दीवार के साथ एक बड़ा बुककेस लटका कर इसको छुपा लिया गया। इस दरवाजे से ऊपर सीढ़ियां जाती थीं जिसके बाद दो कमरे आते थे, एक में मिस्टर एंड मिसेस फ्रैंक और दूसरे में एन और मार्गो रहते थे। इस फ्लोर पर एक टॉयलेट था और एक और छोटा सा कमरा जिसमें सिंक के अलावा और कुछ नहीं था। इससे ऊपर तीसरा फ्लोर था जहां एक बड़े से कमरे में गैस कुकर और एक सिंक लगा हुआ था। ये सब के लिए किचन, लिविंग रूम और स्टडी का काम देने के अलावा मिस्टर और मिसेस वैन डैन के लिए बेडरूम भी था। साइड पर एक छोटे से कमरे में पीटर के लिए बेड लगा हुआ था। इसी फ्लोर पर सप्लाई स्टोर करने के लिए कुछ जगह भी बनी हुई थी। ये जगह कोई इतनी तंग नहीं थी। एन जानती थी कि पूरे नीदरलैंड्स में शायद इससे ज्यादा आरामदेह छुपने की जगह ना हो, लेकिन फिर भी वहां रहना आसान नहीं था। वहां रहने के सख्त रूल्स थे। एन और इसके बाप ने खिड़कियों के लिए ब्लैकआउट कर्टन्स लिए, जो कि इस वक्त तक खिड़कियों के आगे रहते जब तक अंधेरा सबकी बर्दाश्त से बाहर नहीं हो जाता। खिड़कियों से बाहर देखना मना था। पानी का इस्तेमाल और टॉयलेट फ्लश करने की इजाजत बिल्डिंग के वर्किंग आवर्स के बाद थी, ताकि नीचे काम करने वाले वर्कर्स ड्रेन इस्तेमाल होने की आवाज ना सुन सकें। गलत वक्त पे थोड़ी सी आवाज भी तबाही की वजह बन सकती थी। छुपने वाले सब लोग इस जगह के लिए शुक्रगुजार यानी ग्रेटफुल थे, लेकिन इनको हर वक्त एक डर घेरे रहता था कि किसी भी वक्त कुछ भी गलत हो सकता है। जैसा कि एन ने अपनी डायरी में लिखा है कि वहां मूव होने के कुछ महीने बाद ही दो चीजें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, एक बाहर ना जा पाना और दूसरा ये डर कि किसी भी लम्हे वो ढूंढ लिए जाएंगे और इनको मौके पर ही गोली मार दी जाएगी। जाहिर बात है कि सैनेक्स में प्राइवेसी ना होने के बराबर थी। ज्यादा से ज्यादा टॉयलेट में कुछ देर अकेले रहा जा सकता था। एन का जो वक्त डायरी लिखने में गुजरता वो अक्सर तन्हाई यानी सॉलिट्यूड और दिमागी सुकून का। इसकी बहुत सारी एंट्रीज इन चैलेंजेस के बारे में बात करती हैं जो इन सब का एक दूसरे के साथ बहुत सा वक्त गुजारने की वजह से पेश आए। 12 जुलाई एन की सालगिरह से एक महीने बाद इसने लिखा कि वो ये महसूस कर रही है कि एन इसकी माँ और इसकी बहन में एक बहुत फासला सा बन रहा है। इसके मुताबिक सिर्फ इसका बाप ही था जो इसको समझता था, बाकी सबके साथ इसको ऐसा महसूस होता था कि वो फिट नहीं होती और हमेशा वो इसका मजाक उड़ाते रहते हैं, इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं और इसके साथ अनफेयरली पेश आते हैं। मिसाल के तौर पर जब इसकी बहन मार्गो ने एक बार प्लग से तार निकालते हुए वैक्यूम क्लीनर खराब कर दिया और लाइट का फ्यूज भी उड़ा दिया, जिसकी वजह से पूरा दिन एनेक्स अंधेरे में डूबा रहा, तो इसको सिर्फ ये कहा गया कि आपको एहतियात करनी चाहिए थी। जबकि दूसरी तरफ जब एन ने अपनी माँ की समझ में ना आने वाली शॉपिंग लिस्ट की हैंड राइटिंग को ठीक करना चाहा, तो पूरी फैमिली ने इसकी बेइज्जती की। एन 13 जुलाई का शिद्दत से इंतजार कर रही थी जब वैन डैन फैमिली को वहां आना था। दोनों फैमिलीज फौरन एक दूसरे के साथ घुल मिल गईं। शुरू में एन ने पीटर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसे वो बहुत शर्मीला लगता था, लेकिन मिसेस वैन डैन शुरू से ही सबकी एंटरटेनमेंट की वजह थी। जब वो आई तो एक डब्बा उठाए हुए थी। जब इस डब्बे को खोला गया तो इसमें एक पोर्टेबल टॉयलेट था, जिसकी एक्सप्लेनेशन में वो कहने लगी कि इसके बगैर मुझे घर अपना अपना नहीं लगता। लेकिन मिस्टर और मिसेस वैन डैन हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते, लेकिन इससे भी ज्यादा ऑकवर्ड मिसेस वैन डैन और मिसेस फ्रैंक के दरमियान की चपकलिश यानी कि फ्रिक्शन थी। शुरू के कुछ इख्तलाफात की वजह मॉडर्न पेरेंटिंग के तरीकों को लेकर मिसेस वैन डैन की नापसंदीदगी थी। जैसा कि टीनेजर्स को बड़ों वाली किताबें पढ़ने देना और ये कि नौजवान लड़कियों को कितना दबकर और शर्माकर रहना चाहिए। इन लड़ाइयों और चपकलिशों के अलावा और चीज़ें भी थी जो इन सब की जिंदगी को मुश्किल बना दी थी।
खास तौर पर खाना और इनकी सेहत ऐसी परेशानियां थीं जिन पर दोनों फैमिलीज का कोई कंट्रोल नहीं था। अक्टूबर के आखिर में एन के बाप को खसरा यानी मीजल्स जैसी बीमारी हो गई। वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे। एन उम्मीद कर रही थी कि इसकी माँ का कोई टोटका ही काम कर जाए। खांसी, सर्दी और फ्लू जब भी होता सब परेशान हो जाते क्योंकि आम दवाइयाँ जैसे कि एस्पिरिन और वेलेरियन ड्रॉप्स बिल्कुल नापैद थे। खाना अक्सर एक जैसा और अनप्रिडिक्टेबल होता। अक्सर नाश्ता, लंच और डिनर में एक जैसी चीज़ें ही खाई जाती। आलू अक्सर किसी न किसी शक्ल में हर खाने में मौजूद होते और अक्सर ख़राब आलू भी खाने पड़ते। एक दफ़ा एक मुश्किल अरसे के दौरान जो सबसे अच्छी सब्जी इनके पास थी वो थी लेटस। वो दिन रात वही खाते, कभी उबाल के, कभी कच्ची, कभी गले सड़े आलूओं के साथ मिलाकर। दोनों फैमिलीज खाना खरीदने के लिए ब्लैक मार्केट में मिलने वाले राशन कूपन्स का इस्तेमाल करते, लेकिन राशन कूपन्स की कीमत ऊपर नीचे होती रहती। इनके दोस्त इन तक खाना खरीद कर पहुँचा तो देते लेकिन पैसा हमेशा एक परेशानी रहता है। खाना खरीदने के साथ और भी रिस्क जुड़े हुए थे। 9th नवंबर 1942 की एक एंट्री में लिखा है कि इस दिन पीटर बीन्स का एक 50 पाउंड वजनी बैग सीढ़ियों से ऊपर ला रहा था जब वो बैग फट गया और बीन्स की सीढ़ियों से नीचे गिरने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि बाकी सबको लगा कि बिल्डिंग की छत गिर गई। इसके बाद कई दिन सब लोग गिरे हुए बीन्स चुनते रहे। खुशकिस्मती से इस वाक्य की वजह से और कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई। नवंबर के दरमियान मिस्टर फ्रैंक की तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई और वही वक्त एनेक्स में एक नए आने वाले मेहमान का था। सबको ये लगा कि एनेक्स में एक और शख्स की जगह बन सकती है। सिर्फ खुदा ही जानता था कि कितने लोगों को पनाह की जरूरत थी। तो दोनों फैमिलीज ने सोचना शुरू किया कि वो शख्स कौन हो सकता है। कुछ सोच विचार के बाद ये फैसला किया गया कि यह मौका एक डेंटिस्ट एल्बर्ट ड्यूसल को दिया जाए। वो एक खामोश तबा और खुश अखलाक शख्स था जो कि बाकियों के साथ आसानी से फिट इन हो सकता था। इसकी जगह बनाने के लिए मार्गो ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गई जहाँ इसके लिए एक फोल्ड होने वाला बेड लगाया गया। मिस्टर ड्यूसल को एन के साथ कमरा शेयर करना था। वो 17 नवंबर को एनेक्स में दाखिल हुए तो दोनों फैमिलीज ने डिनर टेबल पर कॉफ़ी और कॉन्याक के साथ इनका इस्तकबाल किया। ड्यूसल ने इन्हें बताया कि बाहर सब ने इन दोनों फैमिलीज की कवर स्टोरी पर यकीन कर लिया है कि वो बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो गए हैं और बेल्जियम में किसी जगह रह रहे हैं। फिर इसने कई दोस्तों के नाम बताए जिन्हें एसएस वाले उठा कर ले गए। इसने कहा कि वो एक लिस्ट लिए घर घर जाकर लोगों का पता करते हैं और पूरी पूरी फैमिलीज को उठा कर ले जाते हैं। एन ने एक बार एनेक्स की खिड़की से खुद इन लोगों को लाइनों में जाते हुए देखा जिन्हें एसएस वाले गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे। इनमें मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। इनमें से कुछ लोगों को रास्ते में मारा भी जाता था जिससे इनके लिए चलते रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। एन ने लिखा कि कभी कभी जब उसे किसी बात पर हंसी आती है तो इसे शदीद पछतावा यानी कि गिल्ट होता है कि वो कैसे हंस सकती है जबकि इसके कई दोस्त और रिश्तेदार या तो मारे गए हैं या बहुत बुरी हालत में हैं। लेकिन फिर वो ये सोचती कि सारा दिन बेड में लेटकर वो रो तो नहीं सकती और ना ही इस छोटी सी जगह को हर वक्त दुख और परेशानी की जगह बना सकती। वक्त गुजरने के साथ पता चला कि मिस्टर ड्यूसल इतने खुश मिजाज नहीं थे जितने कि वो लगते थे। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था लेकिन फिर उन्होंने अपना असल रंग दिखाना शुरू किया। वो हर वक्त लेक्चर देने और डिसिप्लिन कायम रखने वाले शख्स थे। वो अक्सर मिसेस फ्रैंक को एन के बुरे रवैये यानी के बिहेवियर की शिकायतें लगाते। मिस्टर ड्यूसल से डांट खाने के बाद एन को अपनी माँ से भी डांट खाना पड़ती। एन ने मिस्टर ड्यूसल को हिज एक्सेलेंसी कहकर बुलाना शुरू कर दिया। रात को एन मिस्टर ड्यूसल की तरफ से दिए गए अपने बहुत सारे गुनाहों और कमियों के बारे में सोचती रहती। पुलिस ऐसी होती कि इसे समझ नहीं आता कि वो रोए या हंसे। इसे पता था कि वो परफेक्ट नहीं है और इसे अपने कैरेक्टर पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन मुसलसल हर तरफ से होने वाली नुक्ताचीनी यानी नेट पिकिंग इसे थोड़ी अनफेयर लगती। लेकिन सब चीज़ें बुरी नहीं थी। हैनुका और सेंट निकोलस डे के त्योहारों में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया था। एनेक्स में रहने वाले हर वक्त दो चीज़ों से डरते रहते थे। पहली ये कि अगर उन्होंने कोई आवाज़ की तो नीचे काम करने वाले वेयरहाउस के वर्कर्स को शक हो जाएगा, और दूसरा डर था डाकू। जैसे जैसे जंग लंबी खिंच रही थी तो एम्स्टर्डम के शहर में ज़्यादा से ज़्यादा डकैतियाँ होने लगी। लोग अपने घर छोड़ने से डरते थे क्योंकि एन मुमकिन था कि जब वो वापस आएँ तो इनके घर का सामान गायब। और ये बिल्डिंग तो दूसरे रहायशी इमारतों यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग से काफ़ी दूर होने की वजह से डकैती का आसान टारगेट थी। सबसे पहली डकैती 25 मार्च 1943 के करीब हुई। ये रात का वक्त था।
पीटर ने एक बैरल के नीचे गिरने और किसी के वेयरहाउस का दरवाजा खोलने की आवाज सुनी और मिस्टर फ्रैंक को बताने के लिए नीचे गया। इस वक्त मिस्टर वैन डैम को शदीद खांसी हो रही थी। जब पीटर और मिस्टर फ्रैंक ये देखने के क्या हो रहा है दबे पांव नीचे जा रहे थे तो सब लोग इनकी हर खांसी पर शदीद घबरा जाते। फिर किसी को ये आइडिया आया कि मिस्टर वैन डैन को थोड़ी सी कोडीन दे दी जाए जिसकी वजह से वो फौरन पुरसकून हो गए। एन को शदीद डर लग रहा था कि पीटर और मिस्टर फ्रैंक वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन वो वापस आ गए। ऐसा लगता था कि सिर्फ सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ डाकुओं को डराने के लिए काफ़ी थी, लेकिन ये डाका डालने की ऐसी आखिरी कोशिश नहीं थी। 2 मई 1943 के इतवार को एन ने लिखा कि कैसे हर दिन किसी नए डर के साथ आता है, और फिर चाहे वो बिल्डिंग के अंदर से आवाज़ें हों या फिर बाहर से बंदूकों और गोलियों की आवाज़। अपना ध्यान बटाने के लिए एन लिखती थी, सिर्फ डायरी में नहीं बल्कि इसने कहानियाँ भी लिखना शुरू कर दी थी। इसकी सबसे पसंदीदा लिखी गई कहानी एक फेरी टेल थी जिसका नाम एवर्स ड्रीम था। एक और कहानी कैडीज लाइफ में इसके ख्याल से कुछ अच्छे पार्ट्स थे, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो इतनी स्पेशल नहीं थी। इसको ये लगने लगा कि शायद वो बड़ी होकर जर्नलिज्म में जाना चाहे, और ये कि राइटर के तौर पर अगर वो खुद को सपोर्ट ना भी कर पाई तो अपने फारिग वक्त में लिखना जारी रखना चाहेगी। वो बस अपनी माँ और मिसेस वैन डैन जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी जो रोज़मर्रा के कामों में ज़िंदगी गुजार देती हैं और फिर भुला दी जाती हैं। एन को लगता था कि राइटिंग इसका खुदा की तरफ से दिया गया एक टैलेंट है, और वो इसे इस्तेमाल कर खुद को एक्सप्रेस करने के अलावा दुनिया में कोई बड़ी तब्दीली लाना चाहती थी। डायरी की एंट्रीज पढ़ते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि एन तेज़ी से मैच्योर हो रही थी। इससे अपने पहले पीरियड्स भी एनएक्स में ही हुए। इसके अलावा इसकी लिखाई से ये भी पता चलता है कि वो मुसलसल अपने कैरेक्टर पर गौर कर रही थी, और इन हालात में भी वो ज़िंदगी गुजारने में एक थॉटफुल और कंसिडरेट अप्रोच अपना रही थी। 1943 की सर्दियों और 1944 में वो मिसेस वैन डैन और अपनी माँ को बेहतर तरीके से समझ पा रही थी। इसे एहसास हुआ कि अगर आप थोड़ी सी बर्दाश्त और समझबूझ इस्तेमाल करें तो मिसेस वैन डैन के साथ रहना इतना मुश्किल भी नहीं। और हालांकि अपनी माँ को वैसा रोल मॉडल नहीं समझती थी जिस तरह वो चाहती थी, लेकिन इसे एहसास होने लगा कि जो कुछ उसके पेरेंट्स ने इसके लिए किया है वो कितना अहम है। इसे अपनी माँ के साथ ख़राब ताल्लुक में अपनी गलतियाँ भी नजर आने लगी। ये एन के लिए सेक्शुअल मैच्योरिटी का भी वक्त था। पीटर जो शुरू में इसको बोर लगता था अब इसे बहुत अच्छा लगने लगा। ये सब बातचीत से शुरू हुआ, और इस बातचीत की शुरुआत की वजह मुशी थी। मुशी एटिक में रहने वाली एक बिल्ली थी जिसकी वजह से घर में बहुत सी मक्खियां आती थी। पीटर को इस बिल्ली का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता था, और एन को लगा कि पीटर एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंसान है जो कि अनफेयरली दो लड़ाकू पेरेंट्स के बीच में फंस गया है। इसे भी कोई ऐसा शख्स चाहिए जो इसकी परेशानियाँ सुन सके, बिल्कुल एन की तरह। एन को यकीन था कि पीटर इसे दूसरों की तरह हर वक्त बकबक करने वाली एक लड़की समझता है। जनवरी 1944 को इसने लिखा कि काश पीटर भी इसकी ज़ाहरी पर्सनैलिटी से हटकर इसके अंदर के इंसान को देख सके, वो बहू जैसे इसने किया। इसे पीटर की आंखों में देखकर एक शर्मीलापन यानी के शाइनेस और गैर यकीनी यानी कि अनसर्टेनिटी नजर आई जिससे इसका दिल पिघल गया। लेकिन इसे अभी पीटर से मोहब्बत नहीं हुई थी। इनका ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा। पहले वो एटिक में साथ बैठते, फिर वो एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर इकट्ठे बैठे, फिर एक दूसरे से किसी भी बारे में बात करना आसान हो गया, खास तौर पर रात के वक्त। चांद की रोशनी और सरगोशी यानी कि विस्परिंग दिन की रोशनी की नस्बत एक दूसरे को अपना राज बताना आसान बना देती है। दिन बहुत लंबे लगने लगे। अप्रैल में इसने कबूल किया कि इसे पीटर को किस करने का बहुत मन है। वो सोच रही थी कि क्या पीटर को भी ऐसा लगता है या वो सिर्फ इसे अपनी दोस्त समझता है। एनएक्स में आए 21 महीने गुजर चुके थे, लेकिन 16 अप्रैल 1944 को एन ने अपनी पहली किस एक्सपीरियंस की। इसके मुताबिक बहुत खास दिन था। अब इसे अपने पेरेंट्स को ये रिश्ता एक्सप्लेन करना था। अपनी डायरी और कहानियां लिखने के अलावा एन ने इस दौरान अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। इसमें फ्रेंच, इंग्लिश और अलजेब्रा शामिल था। इसे इतिहास यानी तारीख के बारे में पढ़ने का बहुत शौक था, खास तौर पर हसब नजब यानी कि जीनियोलॉजी के चार्ट्स उसे बहुत पसंद थे। इसने चार्ल्स फाइव पर लिखी गई 598 पेजेस की किताब पढ़ी और गैलीलियो पर लिखी गई 320 पेजेस की किताब भी।
वो स्कूल जाने को शिद्दत से मिस कर रही थी। 6 जून 1944 को जब रेडियो पर डी डे का ऐलान हुआ तो ऐसे ऐसा लग रहा था कि इसकी ख्वाहिश जल्द पूरी होने जा रही है। अलाइड फोर्सेस का हमला शुरू हो चुका था। 2 साल छुपे रहने के बाद ये वो दिन था जिसका सब इंतजार कर रहे थे। एक हफ्ते के बाद एन ने अपना 15वां जन्मदिन मनाया। जून के आखिर तक सबके जज्बे बुलंद थे। फ्रांस के कुछ हिस्से अलाइड फोर्सेस के कब्जे में आ चुके थे और फिर एक दिन एनेक्स में कहीं से स्ट्रॉबेरीज का एक ढेर लग गया। नाश्ते में दलिये के साथ स्ट्रॉबेरीज, बटर मिल्क और ब्रेड के साथ स्ट्रॉबेरी और जार में प्रिजर्व की गई स्ट्रॉबेरीज। इसके अलावा 20 पाउंड मटर यानी के पी पॉट भी आए। इन सब ने दिन रात एक कर इनको छीला। इस पूरे अमल के बाद एन का इरादा और भी पुख्ता हो गया कि वह हाउसवाइफ नहीं बनेगी। इस दौरान पीटर के साथ इसका रिश्ता फीका सा पड़ रहा था। वो रात को गुड नाइट किसेस करते और एक दूसरे से प्यार की बातें करते, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दोस्ती की तरफ बढ़ रहा था। पीटर ने अपने ऊपर जो पाबंदियां लगाई हुई थी, एन इसकी वजह से दिल बर्दाश्ता यानी डिस्करेज हो रही थी। जो सुस्ती यानी लेजीनेस इसने शुरू में पीटर में महसूस की थी वो दोबारा जाहिर हो रही थी और एन को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। पीटर मजाक में कहता था कि वो जंग के बाद जुर्म यानी कि क्राइम का रास्ता इख्तियार करना चाहता है और ये बात एन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग किस तरह अपनी कमजोरियों से हार मानकर बगैर लड़े आसान रास्तों का इंतखाब कर लेते हैं। एन जानती थी कि इसमें खुद भी कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन ये इल्म इन पर काबू पाने और खुद को बदलने के इसके अज़्म को और भी मजबूत बनाती थी। 1 अगस्त 1944 एन ने लिखा कि वो अभी भी खुद को दो हिस्सों में बटा महसूस करती है। एक जिंदा दिल शुरुख और चंचल एन जिसे लोग संजीदगी से नहीं लेते थे, और एक बेहतर अच्छी और गहरी सोच रखने वाली एन जो इस वक्त पत्थर की हो जाती है जब लोगों की नजरें इस पर होती हैं। लोगों को ये गहरी सोच वाली एन ज्यादा देखने में नहीं मिलती, लेकिन वही एन थी जो जिंदगी में इसकी रहनुमाई यानी गाइडेंस कर रही थी। यही तब्दीली थी जिस पर एन बहुत मेहनत कर रही थी, यानी वो अपनी इस खामोश और अच्छी वाली पर्सनैलिटी को बाहर लाना चाहती थी। इसकी डायरी इसी सेल्फ रिफ्लेक्शन पर ख़त्म होती है। 4 अगस्त 1944 को SS के अफसरों की एक गाड़ी आई और इस खुफिया एनेक्स में सबको गिरफ्तार कर लिया गया। विक्टर कुगलर, जोहानस क्लाइनमैन जो इन लोगों की मदद कर रहे थे, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। अलबत्ता इनकी 2 सेक्रेटरीज को गिरफ्तार नहीं किया गया। इन दोनों सेक्रेटरीज में से एक मीप गिरफ्तारी के फौरन बाद एनेक्स में गई और एन की डायरी समेत कुछ चीजें बचा कर ले आई। इसे उम्मीद थी कि जब जंग खत्म हो जाएगी तो वो इसे एन को वापस कर देगी। गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को पहले एम्स्टर्डम की एक जेल में ले जाया गया और फिर इन्हें नॉर्दर्न नेदरलैंड्स में वेस्टरब्रुक के एक आरजी कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। 3 सितंबर 1944 को इन्हें ऑशविट्स जाने वाली एक ट्रेन में बिठा दिया गया। ये वेस्टरब्रुक से निकलने वाली आखिरी ट्रेन थी और इसमें फैमिलीज को अलग अलग कर दिया गया। मिसेस वैन डैन को वहां से बर्गर बेल्सन और फिर कम से कम 2 और कैंप्स में भेजा गया, जिसके बाद वो इंतकाल कर गई। मिस्टर वैन डैन ऑशविट्स में मारे गए। इन्हें अक्टूबर या नवंबर में गैस चैम्बर्स में डाल दिया गया। पीटर ऑशविट्स से ऑस्ट्रिया में वाकई माउथहाउजन कैंप की डेथ मार्च का हिस्सा था। वो 5 मार्च 1945 में अलाइड फोर्सेस के कैंप पर आमद से सिर्फ 3 दिन पहले मर गया। अल्बर्ट ड्यूसेल 20 दिसंबर 1944 को न्यूनगेन कैंप में मरे। एन की माँ 6 जनवरी 1944 को भूख और थकावट की वजह से मारी गई। एन और मार्गो को अलग अलग नहीं किया गया था। इन्हें अक्टूबर 1944 में बर्गन बेल्सन कैंप भेज दिया गया। अगली सर्दियों में कैंप में टाइफस की बीमारी फैल गई और दोनों बहनें यके बाद दीगरे मारी गई। ये कहा जाता है कि इनकी लाशें कैंप में एक इज्तमाई कब्र में दफना दी गई। ब्रिटिश फौजियों ने 12 अप्रैल 1944 में कैंप को आज़ाद कराया। एनेक्स से गिरफ्तार हुए लोगों में वाहिद बचने वाला शख्स एन का बाप ऑटो फ्रैंक था। रशियन ने ऑशविट्स को आज़ाद कराया और 3 जून 1945 को वापस एम्स्टर्डम लौटा। इससे अपनी बीवी की मौत की तो खबर थी, लेकिन वो उम्मीद कर रहा था कि इसकी बेटियां एन और मार्गो इससे मिला दी जाएंगी। इनकी बजाय इसकी मुलाकात मीप गीस से हुई, जिसने इसे एन की डायरी ये कहते हुए लौटाई कि ये आपकी बेटी की आखिरी निशानी है। ऑटो के लिए डायरी पढ़कर अपनी बेटी की एक मुख्तलिफ साइड देखना आसान नहीं था। जैसा कि वो अपनी याददाश्त में लिखता है कि वो दिन में सिर्फ 1 या 2 सफ़े ही पढ़ पाता, क्योंकि इसके बाद वो गम से निढाल हो जाता। लेकिन जो इसने पढ़ा, इसने इसे हैरान कर दिया कि वो अभी भी एन को एक बच्ची के रूप में देखता था, लेकिन इसकी लिखाई इस बात की सबूत थी कि वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सोच विचार करने वाली जवान लड़की थी
जो कि बहुत गहरी बातें लिखने के काबिल थी। शुरू में इसे लगा कि एन की डायरी को सिर्फ इसके करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को ही पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर इसकी ये सोच बदल गई। अपनी डायरी में एन ने ये उम्मीद जाहिर की थी कि एक दिन वो सीक्रेट एनेक्स के नाम से एक किताब पब्लिश करेंगी। तो ऑटो ने इस डायरी की कॉपीज मुख्तलिफ पब्लिशर्स को भेजना शुरू कर दी। बहुत से पब्लिशर्स ने यह किताब रिजेक्ट कर दी, लेकिन फिर जून 1947 में सीक्रेट एनेक्स के नाम से थोड़ी सी तादाद में यह किताब छप गई। 1952 में यह किताब अमेरिका में शाया हुई और यह डायरी इंटरनेशनल सेंसेशन बन गई। उसके बाद से ये मुसलसल प्रिंट में है और इस पर थिएटर और फिल्म प्रोडक्शंस भी की जा चुकी हैं। इसकी कहानी ने नई नस्लों को जंग के मजालिम के खिलाफ खड़ा रहने और इंसानी हकूक के लिए लड़ाई लड़ने की हिम्मत दी। एन को हमेशा यकीन था कि अंत में जीत इंसानी हमदर्दी यानी कि काइंडनेस की ही होगी। इसके साथ ही इस किताब का इख्तिताम होता है। आपको एन की कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए। अगली किताब के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। शुक्रिया।